माईटूब फैमिल आई हो कि आप लोग तो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जो भी फर्स्ट टाइम मेरी कर रहे हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें तो इस तरह की अपने चैनल पर लाती जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है और आगे भी यही कोशिश रहेगी मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो डालू जो ऑथेंटिक और आपके लिए हेल्पफुल भी हूँ तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो में तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में कि आपने की आपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग किस तरह करनी है तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर तो जी हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले आप कॉम पे जाएंगे कॉम से आप गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाई टी स्टूडियो यहाँ से आप लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद आप डैशबोर्ड वाई टी स्टूडियो में आपके चैनल का खुल जाएगा फिर आप यहाँ सेटिंग को प्रेस करेंगे सेटिंग को प्रेस करने के बाद आपके पास ये यूट्यूब की सारी सेटिंग आ जाएंगी इसमें सबसे पहले हमने जर्नल सेटिंग करनी है जर्नल सेटिंग में आप ये देखें पाकिस्तानी रूपी भी आ, शो हो रहा है अगर आप यूएस के जगह चाहें तो पाकिस्तानी रूपीज भी शो कर सकते हैं इसके बाद हम जाएंगे चैनल सेटिंग पर चैनल सेटिंग की बेसिक इन्फो पर ठीक है सबसे पहले आप देखेंगे कंट्री है कंट्री अगर आप पाकिस्तान से है तो यहाँ पे आप पाकिस्तान ही सर्च करेंगे इसके नीचे भी ये देखें और कंट्रीज आ रहे हैं आप जिस कंट्री से हैं आपने यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है इसके बाद ये है सारे की वर्ड यहाँ पे आपने अपने चैनल से रिलेटेड अपने नीच से रिलेटेड यहाँ पे आपने की वर्ड डालने हैं और की ऐसे होने चाहिए कि जब आप आपका चैनल रैंकिंग पर आए तो जब वो लोग कोई भी ऐसा टॉपिक सर्च करें आपके चैनल की वीडियो उनके सामने आए इसके बाद हम आ गए हैं एडवांस एडवांस सेटिंग सेटिंग में सेटिंग में आपके पास ये तीन ऑप्शन है तो ये पहला आपका है कि आपका चैनल बच्चों के लिए है दूसरा है नो तीसरा है आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेकेंड फॉर एवरी वीडियो यानी कि या फिर आप खुद वीडियो डिसाइड करेंगे कि कौन सी वीडियो बच्चों के लिए है और कौन सी वीडियो बड़ों के लिए है तो आप इसके थर्ड वाले पे क्लिक कर लें यहाँ पे आ गया है ऑटोमेटिक कैप्शन आपने इस पे टिक कर देना है और इसके बाद आ जाएगा क्लिप क्लिप्स को आपने यहाँ इसका मतलब है कि आपकी वीडियो के क्लिप कोई भी जो है यूज कर सकता है तो आपने इसको भी यस कर देना है कोई बात नहीं अगर आप कोई भी जो है आपकी वीडियो के क्लिप्स यूज कर रहा है डोंट हैव बिग इशू अब हम आगे आगे हैं फीचर एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे देखें इसकी ये तीन सेटिंग्स हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है पहली सेटिंग्स मैंने आपको ओपन करके दिखाई है इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसको आपने एज इट इज छोड़ देना है सेकेंड वाली में हम देखते हैं कि सेकेंड वाली हमारी क्या है सेकेंड वाली के जो साथ में एरो है इनएबल के साथ इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास आ रहा है वेरीफाई फोन नंबर आपने इसको जो है वेरीफाई कर लेना है क्योंकि इसको आप जब तक अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं करेंगे तो इनके सामने ये देखें की वीडियो लॉन्गर देन फिफ्टीन मिनट तो कस्टम थमनेल भी नहीं लगा सकते और लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर सकते जब तक आपका ये इनएबल नहीं होगा थर्ड वाला जो फीचर है ये आ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसकी जो है मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये जो है ना थोड़ा लॉन्ग है ठीक है तो इसके बाद जो है ये नीचे सेफ का बटन है आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो भी सेटिंग्स है ये सेफ हो जाए इसके बाद हम आ गए हैं थर्ड पे अपलोड डेफोडल्स पर सही है अब आपने यहाँ पे बेसिक इन्फो पे क्या करना है यहाँ पे टाइटल यहाँ पे आपने वो चीजें इनपुट करनी होती है के जो की हमारी वीडियो में यूज होती है वीडियो का टाइटल तो हर वीडियो का अलग अलग से होता है इस वजह से हम यहाँ पे टाइटल नहीं ऐड करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन आप वैसे तो हर वीडियो की अलहदा होती है जो आपने वीडियो अपलोड की है उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं लेकिन आप यहाँ पे ऐसे हैश लगा दें अपने चैनल के, के जो आप चाहते हैं कि आपकी हर वीडियो में आ, खुद ही जो होते रहे तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए है इसके बाद हमने विजिबिलिटी अनलिस्टेड ही इसको रखना है ठीक है यहाँ पे हमने कुछ राइट नहीं करना इसके बाद है नीचे टैग्स टैग्स भी आपने एक दो ऐसे यहाँ पे लगा देने हैं कि जो कि आपकी हर वीडियो में ऑटोमेटिकली शो हो जाए आपको वहाँ पे राइट करने की जरूरत ना पड़े तो यहाँ मैंने चैनल का जो नेम है उसी को आगे पीछे करके लगा दिए हैं ताकि आपका चैनल इस तरह से रैंकिंग पर भी आता है अब हम चले जाएंगे आगे एडवांस सेटिंग में एडवांस सेटिंग में आपके पास ये देखें ऑटोमेटिक चैप्टर्स है कुछ आ, नीचे है स्टैंडर्ड्स यूट्यूब लाइसेंस आपने इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रखना है इसके बाद है कैटेगरी कैटेगरी जो है आपने यहाँ से करनी है कि आपके चैनल की कैटेगरी क्या है कुकिंग है वीलॉगिंग है एजुकेशन है जो भी है मेरी जो है वो एजुकेशन है इस वजह से मैंने एजुकेशन सिलेक्ट कर दी है वीडियो लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू आपने सेलेक्ट करनी है अगर आप उर्दू में आ, कर रहे हैं उसके बाद कमेंट्स वगैरह आपने अपने ऑन रखने हैं इसके बाद नीचे सेव का बटन है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट हम चल जाएंगे परमिशन पे परमिशन ये जो जी आप है ऑनर तो अगर इसके बाद आप अपने चैनल पे किसी और को भी चैनल पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ई और उसका एसेंस अकाउंट जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई भी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल तो जी अब हम आगे जाते हैं कम्युनिटी 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 पे community पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो community की जो है एडवांस फिल्टर आप देख लें यहाँ पे आप अपने चैनल का किसी को मॉडरेट बनाना चाहते हैं या कुछ तो ये सब आपने फिल करना है लेकिन मैंने किसी को नहीं बनाया हुआ तो मैं इसको बिल्कुल भी फिल नहीं कर रही हूँ इसके बाद नीचे जो है लाइव रिडायरेक्ट ऑप्शन है इसके बाद आपने इसको जो है ना सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है क्रॉल करके आप नीचे आएंगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ ब्लॉक वर्ड्स का यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे आप ऐसे वर्ड्स लिख देंगे कि जो आप चाहते हैं कि आपके कमेंट में ना नजर आए क्योंकि लोग बैड कमेंट्स भी करते हैं यहाँ पे आपको जो भी गालियां वालियाँ वा आती है यहाँ पे आप लिख दें ताकि लोग करें भी तो आपके कमेंट्स में ना शो सेफ पे क्लिक करके सारी सेटिंग सेव कर उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको इसके अलावा यूट्यूब के चैनल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे से इनबॉक्स में रामता कर सकते हैं मेरे से जहां तक हो सका मैं आप लोगों की फुल हेल्प करूंगी तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक दें अपनी बहन को इजाज़त अल्लाह हाफिज